Welcome Galaxy Scholars to another lecture of Chapter 7, Control and Coordination. In the last video lecture, I had explained about that what are the part of human brain and its subdivision. जो spinal cord है, okay, और जो हमारे brain, उसको कौन protect कर रहा है? अब देखिए, इतने sensitive organ है ये, because इनका पूरा जो हमारे body का control है, सब इस छोटे से brain के अंदर ही होते हैं, around एवरेज कहे तो 70 केजी का पर्सन है, उसकी जो ब्रेन है अराउंड 2-3 केजी, उसके कंट्रोल में 2-3 केजी कंट्रोल में पूरी होल बॉडी है। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत ही डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि स्केलेटन का काम यही रहता है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके रखे रहना। जैसे कि हमारे चेस्ट के पास क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। अब रिब्स का भी फंक्शन कहीं ना कहीं क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन को एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम रहता है अपने हार्ट को। सो इसी तरह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्कल, ठीक है, जिसे सिंपल हिंदी में कहा जाए तो खोपड़ी। सो मेन इनका फंक्शन यही है कि हमारे जो हड्डी एक तरीके से ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करेंगे, आपके स्कल। सो 7.1.3 हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टर, ये सब टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम डेली इतने मूवमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें चांस होता है कि इंजरी आसानी से हो जाएगा। सो उस दौरान हमारे पास ऐसे ऑर्गन होना बहुत ही ज़रूरी है ये जो प्रोटेक्ट करेंगे। अ डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही जैसे कि नाजुक ऑर्गन होते हैं ब्रेन, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है बहुत सारे कामों के लिए। ऑफकोर्स हमारे ब्रेन, आपने देखा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसके अंदर कितने एक्टिविटीज हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहे थे। नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, इसीलिए हमें ये सब को ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर दिस द बॉडी इज डिज़ाइन, इसीलिए हमारी बॉडी ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है जिसके अंदर एक तरीके से बोनी कैविटी है, ठीक है, सो डैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड द बोनी बॉक्स, एक तरीके से बोन का एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या है ब्रेन सिट्स है, यानी ब्रेन हमारे बैठे हुए हैं, जिसे कहा जाए सिंपल से, यानी कि एक हमारा ब्रेन है और उसको पूरा कवर करने वाली एक बोन जैसी बॉक्स है जो राउंड फॉर्म में है कहा जाए तो। इनसाइड द बॉक्स, अब उस बॉक्स के अंदर क्या हमारे ब्रेन है, इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फील्ड बलून, एक बलून है जिसके अंदर क्या है फ्लूइड है, उसके अंदर हमारे क्या है ब्रेन फील्ड है। अब देखो, अब जो फ्लूइड फील्ड है उसके अंदर, उसका काम यह है कि जो भी शॉक लगता है, ठीक है, बाहर से हमें, तो उसको एक तरीके से मिटाने का काम कौन करेगा, हमारा ये फ्लूइड ही करेंगे। जो भी हमें बाहर से कभी दीवार से लड़ जाते हैं तो उस दौरान जो कंट्रोल करने का काम, जो भी शॉक लगा है अंदर के जो ब्रेन को इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जो शॉक लगा उसको एक तरीके से मिटाने का काम कौन करेगा, हमारे ये फ्लूइड करेंगे। If you run your hand down the middle of your back, अगर अपना हाथ आप पीछे रखेंगे अपने बैक पे, तो आपको एक तरीके से हार्ड और बम्पी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, महसूस होगा। अब जैसे पीछे रखेंगे, बैकबोन है अपना जहाँ पे एकदम हार्ड, एकदम कड़क और बम्प जैसे बम्पी स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, एंड दिस इज द वर्टिबल कॉलम, और उससे क्या बोला जाता है वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन, और उसका काम क्या रहता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने। स्कल का काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे वर्टिबल कॉलम। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉसेस एक्शन, तो किस तरह नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, तो अभी तक हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और किस तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड। सेंड इट अराउंड द बॉडी, किस तरह हर एक बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, हर एक बॉडी के पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, किस तरह इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, यानी कि मान लो कोई भी हमें एनवायरनमेंट में बदलाव है तो उसके आगे रिस्पांस कैसा दिखाते हैं। मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से हम डिसीजन भी लेते हैं, एंड कन्वेंस डिसीजन टू मसल फॉर अ एक्शन, और मनाते हैं एक तरीके से, कहते हैं कि मसल्स अपना एक्शन दिखाएं। सीधी सी बात है कि जो भी मैसेज हमारे ब्रेन भेजते हैं वो डायरेक्ट किसके पास जाता है, फिर मसल्स के पास, मसल्स बाद में अपना मूवमेंट दिखाते हैं, अगर एक तरीके से हमें मूवमेंट दिखाना हो तब।
इन अदर वर्ड्स व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, अगर हमें मूवमेंट दिखाना है या फिर एक्शन करना है, मसल टिश्यू डू द फाइनल जॉब, जो आखिरी काम करने जो हमारी बॉडी के पार्ट करते हैं वो मसल टिश्यू, ठीक है। अगर मुझे कोई भी मूवमेंट दिखाना है तो उस दौरान मेरे मसल टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे और उन्हीं का आखिरी में ये काम रहेगा। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, किस तरह जानवरों के मसल्स मूव करते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच द मसल, जब नर्व इम्पल्स, ठीक है, ब्रेन से ट्रैवल होकर स्पाइनल कॉर्ड से जब मसल के पास पहुंचता है, तो मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल के फाइबर्स होते हैं रेसे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। एंड हाउ डज अ मसल सेल मूव, किस तरह मसल के सेल मूव होते हैं। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे हैव शॉर्टन। अब इस तरह जो मसल सेल्स है मूवमेंट इस तरह दिखाते हैं बाय चेंजिंग देयर शेप, अपना आकार बदलते हैं, साइज बदलते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है उनका मूवमेंट दिखता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल्स चेंज, मसल सेल्स चेंज देयर शेप। अब अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि किस तरह मसल्स अपने शेप चेंज करते हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं जो शेप को चेंज करने में मदद कर रहे हैं, साइज को चेंज करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। सो मसल सेल्स हैव अ सर्वल स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट, तो मसल्स के पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, शेप, ठीक है, और दूसरा साइज बदलने में हेल्प करना टू नर्वस इलेक्ट्रल टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आता है। सो व्हेन दिस हैपन अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टन फॉर्म, अब जैसे ही कोई भी नर्व इम्पल्स मिला मसल को, ठीक है, मसल के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करेंगे शेप और साइज को बदलने के लिए, तब जाके क्या होगा, मसल सेल्स छोटे हो जाएंगे जहाँ जरूरत रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9 देयर वेर अ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल, आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल एक, सो एज सच एज वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि यहाँ पे आपको नाम भी दिए, वॉलेंट्री मसल्स ऐसे जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो बेस्ड ऑन द व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो आपने पढ़ा वॉलेंट्री जो हमारे थिंकिंग के कंट्रोल में रहता है और इनवॉलेंट्री जो हमारे थिंकिंग कंट्रोल में नहीं रहता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।